हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए रिव्यू चैनल। आज का जो मेरा प्रोडक्ट है वो है बायो ऑयल, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके स्टेच मार्क्स वगैरह उनके लिए यूज़ किया जाता है। पर उससे पहले कहना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि मैं अभी न्यूबी मदर, न्यूबी तो नहीं, अब काफ़ी ऑलमोस्ट ईयर होने को है, पर मेरे पास ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हो गए हैं जिनको मैं रिव्यू के लिए यूज़ कर रही हूँ। जैसे ये बायो ऑयल मैंने यूज़ किया है और इसका इफेक्ट मैंने अपनी स्किन पे देखा है, तो उसके बाद मैं इसका रिव्यू लेके आई हूँ। जैसे आप देख रहे हो ये हाफ यूज है, तो ये मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ। सो स्टार्ट करते हैं बायो ऑयल। बायो ऑयल जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपका पेट स्ट्रेच हो रहा होता है आगे की ओर, तो हल्का सा भी इचिंग करने पे आपके पेट पे स्टिच मार्क्स आ जाते हैं, आर्म्स पे और थाइस पे आपके बहुत ज़्यादा स्टिच मार्क आ जाते हैं। उसके लिए बायो ऑयल बहुत अच्छा होता है। आप सेकंड ट्राइमेस्टर से इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका फोर्थ मंथ स्टार्ट होता है, तब आप अपने सेंसिटिव एरिया पे, जैसे आपके शोल्डर है, शोल्डर के पास की स्किन है, स्टमक है और थाई एरिया है, उस पर लगाएंगे तो जो कई बार प्रेगनेंसी में स्ट्रेच लाइन्स आ जाती हैं वो इसे रिड्यूस हो जाती है। अगर आप प्रॉपरली से लगाते रहेंगे तो वो लाइन्स आती ही नहीं है। सो मैंने फर्स्ट बेबी के टाइम इसे यूज़ किया था, नहीं किया था, तो उस टाइम पे मुझे स्ट्रेच मार्क्स आ गए। तो इस बार मैंने ट्राई किया कि मैं इसको यूज़ करूँ, बट मैं इसको ज़्यादा यूज़ कर नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत अप एंड डाउन रहने लगी, तो मैंने इसे बहुत यूज़ नहीं किया। बट हाँ, मैंने इसे जितना यूज़ किया उसका इफेक्ट मुझे उसका दिखा है। जो स्किन आपकी स्ट्रेच मार्क्स की वजह से ब्लैक हो जाती है वो बहुत गंदी सी दिखती है, वो मेरी जो है वो स्किन के हिसाब से होगी। हल्की हल्की लाइनिंग तो ज़रूर है मेरे स्टमक पे, पर इतनी ज़्यादा नहीं, वो ब्लैक इन कलर नहीं, वो मेरे स्किन से मैचिंग है, तो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बट ये है बायो ऑयल जो आप प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर से यूज़ कर सकते हो। और ये जो स्पेशल आपके स्किन के लिए, ये स्किन के लिए बनाया गया ऑयल है, ये आपके स्कार, स्ट्रेच मार्क्स, अनइवन स्किन टोन, एजिंग स्किन और डिहाइड्रेशन को कम करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेशन की, जो कि ऑलमोस्ट लेडीज को हो जाती है, तो ये उन सबको कम करता है। जो सेलिन ऑयल होता है वो आपकी स्किन में बहुत अच्छे से ब्लेंड करके जो आपकी इम्प्योरिटीज रहती हैं उन्हें कवर अप कर देता है और उन्हें ठीक कर देता है। और या मैं ये कहूँगी कि मैंने इस बार स्ट्रेच मार्क्स के लिए दो प्रोडक्ट यूज़ किए थे, एक तो वो कोको बॉडी बटर और दूसरा ये है बायो ऑयल। तो ये दोनों का जो बहुत अच्छा इफेक्ट रहा, इवन जब सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरी स्किन खराब होने लगी, स्किन डल पड़ने लगी, तो मैं इसको डायरेक्ट स्किन पे भी अप्लाई कर लेती, फेस पे भी अप्लाई कर लेती थी सॉरी, और तब मेरा फेस हल्का सा सॉफ्ट दिखता था। ड्यूरिंग सम प्रॉब्लम मेरा कलर शेड डल होता जा रहा था और मैं बहुत अजीब सी दिखने लगी थी, तो मैंने इसे स्किन पे अपने फेस पे ट्राई किया, हैंड पे ट्राई किया, स्टमक पे ट्राई किया, शोल्डर पे ट्राई किया, और मैं सच्ची बात बताऊं कि मुझे इतना, जो फर्स्ट टाइम मुझे स्ट्रेच मार्क्स आए थे उससे 0.5% भी नहीं है, वो फर्स्ट टाइम के जितने थे उससे भी लाइट हो गए हैं। अभी अगर मैं बच्चों के साथ बिजी रहती हूँ, अगर मुझे टाइम हो और मैं कंटिन्यूसली इसे लगाऊं, तो या ये मेरे स्ट्रेच मार्क्स को पूरा कम्प्लीटली ठीक कर देंगे। दिस इज माई सेकेंड बॉटल, मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर से लगाने शुरू किया था। मैं हालांकि मैं बहुत बात ज़्यादा देर लगा नहीं सकी क्योंकि मेरी अर्ली डिलीवरी हो गई थी, प्रीमैच्योर बेबी हो गया था, तो मैं उसे बहुत टाइम लगा नहीं सकी थी, बट जितना लगाया उसके बेस पे मैं ये कह सकती हूँ बहुत नाइस है। समटाइम जब मेरी स्किन बहुत डल हो जाती है फेस की, तो मैं इसे फेस पे भी अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है इसको यूज करने से मेरी स्किन ग्लो करती है। ये मेरा एक, ये कह सकते हो कि मेरी फीलिंग है कि मुझे ऐसे लगता है। ये 60 ml की बॉटल है जो 450 की मिलती है, ऑनलाइन हर जगह मिल जाती है, मेडिकल स्टोर्स में मिल जाती है, और मैंने भी इसे शायद ऑनलाइन खरीदा था। हाँ, तो मैंने ट्विंस पैक खरीदा था, जो वन पे वन था, उस पर मुझे कुछ थोड़ी सी डील थी, तो मैंने इसके ट्विंस पैक खरीदा था। और हाँ, जब मैंने इसे यूज किया था ना, आई फील इट कि जो ब्रांड ने कहा है वो कंप्लीट करके दिया है। दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। मैं आपको इसे यूज करने के लिए कहूंगी, इफ समवन प्रेग्नेंट तब तो इसे यूज करिए, जो प्रेगनेंसी के स्ट्रेच मार्क्स वगैरह रह गए हैं, स्किन प्रॉब्लम रह गई हैं, वो भी इसे बाद में यूज करने से कोई हार्म नहीं है। इवन जो आपके दाग मार्क्स स्कार्स जो भी हैं वो रह गए हैं, वो इसे कम्प्लीटली फिक्स हो जाएंगे बींग रेगुलर, क्योंकि
रेगुलरिटी आपकी किसी भी चीज़ पे बहुत मैटर करती है। आई एम नॉट रेगुलर बट मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप रेगुलर रह के ये यूज़ करें। इवन मैं इतना ज़्यादा इनरेगुलर हूँ कि कभी लगाया कभी नहीं लगाया, उसके बाद भी मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई इसको लगाने के बाद। मेरा जो प्रेगनेंसी साइन होते हैं, स्कार्स होते हैं, वो बहुत लाइट हो गए हैं, स्ट्रेच मार्क्स बहुत लाइट हो गए हैं। सो अगर कोई इसको रेगुलर लगाएगा तो शायद ये स्किन को और भी अच्छा कर देगी। सो फॉर मी इट्स अ थम्स अप प्रोडक्ट। मैं इसे फुल मार्क्स देना चाहूंगी क्योंकि ऐसा इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट मुझे नहीं हुआ है, तो इसको फुल 5 में से 5 में स्टार देना चाहूंगी और रिकमेंड जरूर करूंगी। वर्ल्ड वाइड बायो ऑयल फेमस है, सो एक बार ऑल द फीमेल्स आप इसको ट्राई करके देखिए। फीमेल क्योंकि जो होता है फीमेल्स को अपनी स्किन को टेक केयर करने का टाइम नहीं लगता है, जो घर में होती हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है सबको देखने में, तो या जब आप रात को सोने लगे तो इसको हल्का सा अपने स्टमक और इफ यू लाइक तो अपने फेस पे लगा के सो जाएं, तो ये आपकी जो स्ट्रेच मार्क्स है, आपकी स्किन इम्प्योरिटीज है, उसको फिक्स करेगा। और हाँ, मेरे सारे वीडियोस को जरूर देखिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक तो फटाफट कर दीजिए। थैंक यू, बाय।